फाइनली फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं उससे जो है. तो व्हाट वी हैव लर्नड इज द वेरी बेसिक थिंग अबाउट द एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली, वेरी बेसिक नॉलेज एक्चुअली. So on this basis, you, it's difficult to predict, but once you know the basic, then naturally आप आगे पढ़ के उसको आप कर सकते हैं. Yes sir. तो चलिए remedies को हम थोड़ा सा जल्दी से खत्म करते हैं आज. हम remedies पर आ रहे थे, individual remedies पर. तो सबसे पहले हम donation की बात करेंगे, क्योंकि डोनेशन एक बहुत एक नॉर्मल कोर्स में हम लोग करते रहते हैं. और नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली दान कर रहे हैं, वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, और दान कभी खराब नहीं हो सकता. लेकिन जब हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में दान हम किन प्लैनेट की वस्तुओं का कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. और ज्योतिष कहता है कि दान हम सिर्फ उन्हीं प्लैनेट के आइटम का कर सकते हैं जो प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में मैलिफिक है या अशुभ फल देने वाले. और जो भी प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में शुभ फल देने वाले हैं, उनका कभी दान नहीं करते. उनका अगर हम दान करेंगे तो वो प्लैनेट आपके लिए बहुत वीक प्लैनेट हो जाते हैं, आपको बहुत नुकसान होने लगता है. और हम लोग नॉर्मली ये सोचते नहीं है, और हम जाने अनजाने में किसी भी चीज का दान करते रहते हैं. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके हॉरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट बेनिफिक है, कौन सा प्लैनेट मैलिफिक है. तो दान हम सिर्फ उन्हीं आइटम का हम कर सकते हैं जो प्लैनेट आपके लिए हमारे हॉरोस्कोप में जो है वो अशुभ फल देने वाला है, इसे मैलिफिक प्लैनेट. और कभी भी बेनिफिक प्लैनेट का हम दान नहीं करेंगे. बेनिफिक प्लैनेट का दान करेंगे तो वो प्लैनेट आपका बहुत वीक हो जाता है. जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि जब शनि की दशा ऑपरेट होती है, और शनि मान लीजिए किसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है, तो इट गिव्स यू वेरी गुड स्टेटस. एंड पर्टिकुलरली आपने देखा भी है कि कोई बिजनेस कर रहा है और शनि का पीरियड शुरू हुआ और शनि इज वेल प्लेस्ड, तो बहुत अच्छा स्टेटस मिलता है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है लाइफ में, एकदम से प्रॉस्पेरिटी आने लगती है. और हम क्या करते हैं उसके बाद, नॉर्मली कॉकटेल पार्टीज थ्रो करना शुरू कर देते हैं डेली. और कॉकटेल इज एन आइटम ऑफ सैटर्न, और जिस प्लैनेट की वजह से आपको वो पोजीशन मिली थी उसी को आपने फेंकना शुरू कर दिया, तो यू अगेन कम बैक टू द सेम पोजीशन. और बहुत लोगों को जो आते भी हैं हम लोगों के पास, पर्टिकुलरली जो जिनके यहाँ वर्कर्स वगैरह होते हैं, फैक्ट्री ओनर्स वगैरह होते हैं, तो कहते हैं कि हमारा तो नॉर्मल प्रोसीजर है कि हम वीकेंड पर हर जो वर्कर होता है उसको एक शराब की बोतल देते हैं. तो उनको बताना पड़ता है कि दिस इज रियली डेंजरस फॉर यू बिकॉज व्हाट यू गॉट इज बिकॉज ऑफ सैटर्न, और उसी की वस्तु का आपने दान करना शुरू कर दिया, ये तो बहुत नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए जो है. तो और कहा, जैसे कि इसमें देखेंगे अभी मैं आपको दे दूंगा ये जो पावर पॉइंट है, इसमें हर प्लैनेट की कुछ आइटम है. तो जो भी प्लैनेट आपके लिए अशुभ है उस प्लैनेट की वस्तु का हम दान कर सकते हैं, और जो प्लैनेट आपके लिए शुभ है उसका कभी हम दान नहीं करेंगे. और दूसरा यह है कि इसी को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर सकते हैं. हम हमारी नॉर्मल जो लाइफ होती है, हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं, शादियां होती हैं, बर्थडेज होती हैं, और नॉर्मली हम अपने लोगों को गिफ्ट भी देते हैं, फ्रेंड्स को, रिलेशंस को, और लेते भी हैं गिफ्ट. तो उसको भी थोड़ा सा अगर हम ध्यान में रखें तो हम उसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं. जैसे मान लीजिए किसी का मून बहुत अच्छा है, नॉर्मली मून जैसे हम लोगों का सबका अच्छा होगा ही, और जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, शादी हुई तो हमने चांदी की चीजें दान मतलब गिफ्ट देना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमने चांदी की गिफ्ट जो है वो दी लोगों को जो है, और कई बार हम कर चुके हैं ऐसा. तो आपको पता नहीं कि मून कितना वीक हो जाएगा, आप खुद डिप्रेशन में आ जाएंगे. तो ये देखकर कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए अशुभ है, तो कम से कम जो हम गिफ्ट करते हैं या लेते हैं उसी तरह से थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं. और ऐसा ही जो प्लैनेट आपके लिए अशुभ होता है उसका हम गिफ्ट नहीं लेंगे, उसका हम अवॉइड करेंगे. अगर कोई हमें गिफ्ट दे भी रहा है बार बार जो है, तो हम अपने लिए कम से कम यूज नहीं करेंगे उसको, उसको किसी और को दे सकते हैं. और जो प्लैनेट आपके लिए शुभ है उसी प्लैनेट का वस्तु का हम जो है वो गिफ्ट ले सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा है, हम अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं थोड़ा सा ध्यान में रख के कि किन आइटम को हमें डोनेट करना है,
और किस आइटम का गिफ्ट देना है और किस आइटम का हमें गिफ्ट जो है वो लेना है, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना है। और हर प्लैनेट के कुछ आइटम होते हैं, कुछ वस्तुएं होती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने हॉरोस्कोप को देखते हुए ये मैनेज कर सकते हैं कि हमें किस आइटम का दान देना है, किस आइटम का गिफ्ट देना है या किस आइटम का हम गिफ्ट ले सकते हैं। तो बहुत एक यूजफुल प्रिंसिपल हो जाता है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि हर प्लैनेट के कुछ प्रोडक्ट हैं। सन है, जैसे ग्राउंड नट है, कोकोनट है, आलमंड्स है, व्हीट है, सैफ्रन है, जगरी है, ऑरेंज है, तो इसी तरह से हर प्लैनेट के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होते हैं। फिर दूसरा जो उपाय होता है वो होता है कि पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करना। और पूजा पाठ में जो आपका मंत्र है, प्रार्थना है, या जो भी हर प्लैनेट के देवी देवताएं होती हैं उनकी पूजा करना है, या यंत्र का पूजा करना है, कोई भी मतलब एनीथिंग जो भी आपके कस्टम में है पूजा पाठ करने का तरीका, उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और पूजा पाठ ही एक ऐसी चीज है विच कैन बी डन इन बोथ द सर्कमस्टांसेस, वेदर प्लैनेट इज वीक और प्लैनेट इज स्ट्रॉन्ग, वेदर प्लैनेट इज मैलिफिक और प्लैनेट इज बेनिफिक, भले ही प्लैनेट शुभ हो अशुभ हो, दोनों केसेस में हम पूजा पाठ कर सकते हैं। और कहते हैं कि पूजा पाठ करने का कभी नुकसान नहीं होता आपको, और जो प्लैनेट आपके लिए शुभ हैं ऑलरेडी और ज्यादा शुभ हो जाते हैं, और जो प्लैनेट अशुभ होते हैं उनकी अशुभता जो है वो कम हो जाती है। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपको दान वान की, किसका हम दान करें, और आगे हम जेम्स का भी अभी देखेंगे, तो सिंपल तरीका है कि पूजा पाठ करिए उस प्लैनेट को शांति करने के लिए या उस प्लैनेट की शुभता को बढ़ाने के लिए। और हर प्लैनेट के कुछ देवी देवता हैं, कुछ मंत्र हैं, और उन मंत्रों का हम जाप भी करते हैं, और अलग अलग धर्मों में अलग अलग पूजा पाठ की भी जाती है। तो जैसे सन है, सन का जो मंत्र है, जैसे आप देख रहे हैं, ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, और सन का जो हम मंत्रों का जाप करते हैं, दैट इज 7000 टाइम्स, 7000 बार जो है वो सूर्य के मंत्र का जाप किया जाता है। इसी तरह से चंद्रमा है, चंद्रमा का जो मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः, और इसकी जो जप की संख्या है दैट इज 11000। मंगल है, मार्स है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भोमाय नमः, और इसकी जो जप की संख्या है वो 10000 है। मरकरी है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, और इसके जो जप की संख्या है दैट इज 9000। जुपिटर है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पताय नमः, और इसके जो जप की संख्या है 19000 है। वीनस है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह शुक्राय नमः, और इसके जप की संख्या 16000 है। शनि है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह शनिश्चराय नमः, और इसके जो जप की संख्या है दैट इज 23000। राहु है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः, 18000 है। और केतु का ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, और इसका जो है वो 17000 है। तो ये हर प्लैनेट का मंत्र है, और जैसे मैंने कहा कि मंत्र हम दोनों केसेज में कर सकते हैं, भले ही प्लैनेट शुभ हो या अशुभ हो, दोनों ही केस में हमको फायदा होता है। और यहाँ पर जो मंत्रों की संख्या लिखी हुई है, नेचुरली जब कोई इमरजेंसी होती है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, देन वी ट्राई टू डू देम टुगेदर एक्चुअली, बट नॉर्मली इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कहते हैं कि जो मंत्र के जाप हैं, दे कैन बी डन इन द मल्टीपल ऑफ 10, 28 और 108, या तो 10 या 28 या 108 के मल्टीपल में हम उनको कर सकते हैं। और हर प्लैनेट का देवी देवता भी होते हैं, एक जो हिंदू धर्म के हिसाब से सन है, सन को जो लॉर्ड विष्णु है वो माने गए सन के देवी देवता। और कभी कभी हम कुछ ट्रीज होते हैं उनके रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं पूजा पाठ के लिए। तो सन का जो रूट है वो बेल पत्थर का जो प्लांट होता ट्री होता है उसकी रूट का हम इस्तेमाल करते हैं सन के लिए। मून है, मून का जो लॉर्ड शिवा को माना गया डीटी, और इसमें जो जड़ है वो खिरनी के पेड़ की जड़ का हम इस्तेमाल करते हैं। मंगल के लिए लॉर्ड हनुमान को माना गया देवता, और जो अनंत मूल की जड़ है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। मरकरी के लिए गॉडेस दुर्गा,
और इसके लिए विधारा के पेड़ की जड़ का हम इस्तेमाल करते हैं। जुपिटर है लॉर्ड ब्रह्मा, या क्योंकि ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं होते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते हैं, तो लॉर्ड जो भी किसी हम गुरु की पूजा कर सकते हैं। और देखते भी आप जैसे कि जो बेसिकली साईं बाबा के मंदिर होते हैं, साईं बाबा को गुरु माना गया, तो उन मंदिरों में थर्सडे के दिन बहुत रश होता है क्योंकि लोग जुपिटर के लिए जाते हैं वहां पर। और इसमें जो है हम या तो हरिद्रा या जो केला या बनाना की जड़ है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीनस के जो डीटी है गॉडेस लक्ष्मी है, और इसमें हम अरण मूल या सर पोखा की जड़ का इस्तेमाल करते हैं। शनि है, शनि के लॉर्ड भैरव है, और इसमें हत्ता जोड़ी एक जड़ आती है उसका इस्तेमाल करते हैं। और राहु के लिए लॉर्ड भैरव है या सरस्वती है, और इसके लिए भी हम जो है वो वाइट सैंडल होता है उसकी जड़ का हम इस्तेमाल करते हैं। और केतु के लिए लॉर्ड गणेश है, और जो जड़ है वो शायद अश्वगंधा की है। एक मिनट, हाँ अश्वगंधा की जड़ है, और जो गणेश जी की पूजा हम करते हैं केतु के लिए। तो ये हर प्लैनेट के देवी देवता हैं, हर प्लैनेट के मंत्र हैं, और इनका हम अगर पूजा करेंगे उपासना करेंगे तो नेचुरली दोनों केसेस में प्लैनेट भले ही शुभ हो या अशुभ हो, दोनों ही केस में उसका हमें फायदा होता है। और तीसरा जो उपाय होता है जेम स्टोन है, कि हम किसी भी प्लैनेट के जेम स्टोन का रिंग पहनते हैं या लॉकेट पहनते हैं या किसी भी हम ज्वेलरी में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हर प्लैनेट के कुछ पर्टिकुलर जेम स्टोन भी हैं। तो जहां तक जेम स्टोन यूज करने का सवाल है, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है फॉर एन एस्ट्रोलॉजर टू फाइंड आउट कि कौन सा जेम किसको सूट करेगा। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इंक्लूडिंग अंगूठे में 10-10 उंगलियों में जो है वो अंगूठी पहने रहते हैं। और हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा ये प्लैनेट खराब है या दशा ये चल रही है, तो कहता है उसकी अंगूठी पहन लो। ये बहुत कॉमन है, अगर राहु का पीरियड खराब चल रहा है तो कहते हैं कि राहु का स्टोन पहन लो, मंगल का पीरियड खराब चल रहा है तो मंगल पहन लो। इट्स रियली सो डेंजरस कि आप सोच भी नहीं सकते जो है। और वैसे भी सन मून को छोड़कर हर प्लैनेट इज द लॉर्ड ऑफ टू हाउसेस, टू साइंस एक्चुअली। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी भी प्लैनेट का जेम स्टोन पहनते हैं तो एक लाइफ का एस्पेक्ट हमारा ठीक होता है और दूसरा लाइफ का एस्पेक्ट खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने प्रोफेशन को ठीक किया और मैरिज खराब हो गई, या मैरिज को ठीक किया हेल्थ खराब हो गई। तो बहुत एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, बहुत एक सिलेक्शन जो जैम का है, सबसे कहते हैं कि हम लोग सबसे डिफिकल्ट है क्योंकि जैम हम नहीं पहन सकते हर स्टोन हर प्लैनेट का। और जैम के बारे में जैसे आपने दान का देखा, जो प्लैनेट अशुभ है उसका हम दान करते हैं, और जैम्स का उसका उल्टा है। जो प्लैनेट शुभ होता है आपके लिए, जो प्लैनेट बेनिफिक होता है, उसी प्लैनेट का जैम हम पहन सकते हैं, और जो प्लैनेट अशुभ है ऑलरेडी मैलिफिक है उसका अगर हम जेम स्टोन पहन लेंगे तो और ज्यादा मैलिफिक हो जाएगा आपके लिए, और ज्यादा आपको नुकसान करेगा। और इसलिए कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाता है कि हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि शनि की दशा खराब चल रही है, आपको नीलम पहना देता है विदाउट नोइंग कि हाउ डेंजरस इट कैन बी। क्योंकि जेम्स के बारे में लोगों को जो इस टाइप के एस्ट्रोलॉजर हैं बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती, और हमारे एक माइंड सेट बना हुआ है कि ये प्लैनेट खराब है तो उसका जेम स्टोन पहन लो। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसी प्लैनेट का जेम स्टोन पहनते हैं जो प्लैनेट हमारे लिए बेनिफिक है, शुभ है, उसकी शुभता को बढ़ाने के लिए हम करते हैं। और खास तौर से क्योंकि हमने कहा जैसे कि लग्न का लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस इज ऑलवेज फंक्शनल बेनिफिक, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है वो हमेशा
फंक्शनल बेनिफिक होता है. तो नॉर्मली जो है हम फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का 99% केसेस में स्टोन पहन सकते हैं, वो नुकसान नहीं करता, प्रोवाइडेड कि वो बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड ना हो या कम्बस्ट ना हो. बट नॉर्मल केस में अगर हम असेंडेंट के लॉर्ड का स्टोन पहनते हैं तो वो नुकसान नहीं करता. लेकिन बाकी जो स्टोन पहनने के लिए आपको बहुत ही क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा हॉरोस्कोप को. आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर प्लैनेट अगर बेनिफिक है एक एस्पेक्ट के लिए तो दूसरे एस्पेक्ट के लिए मैलिफिक नहीं होना चाहिए. और हर प्लैनेट का एक प्रीशियस स्टोन होता है और एक सब्स्टिट्यूट स्टोन होते हैं जो कि मतलब चीपर वेराइटी होता है. तो सन है, सन को जो स्टोन है रूबी है जिसको मानिक कहते हैं हिंदी में, और इसका जो सब्स्टिट्यूट स्टोन है वो रेड तुरमिली होता है, बहुत सस्ता होता है वो. और इसको हम रिंग फिंगर में पहनते हैं गोल्ड में और संडे के दिन. मून है, मून का जो स्टोन है व्हाइट पर्ल है, और या जो सब्स्टिट्यूट स्टोन हैं सस्ते वाले वो स्फटिक हैं, सीप है, शंख है, उनको भी हम पहनते हैं. और मून का जो मेटल है वो सिल्वर है, और मून को भी हम जो सबसे छोटी उंगली है लिटिल फिंगर है उसमें पहनते हैं मंडे के दिन. मार्स है, मार्स का जो स्टोन है कोरल है जिसको मूंगा कहते हैं, और इसको सिल्वर में रिंग फिंगर में पहना जाता है ट्यूजडे के दिन. मरकरी है, मरकरी का जो स्टोन है वो एमरल्ड है जिसको हम पन्ना कहते हैं, या जो चीपर वैरायटी है वो ऑनिक्स है, ग्रीन तुरमुली है, पेरिडॉट है, और इसको हम गोल्ड में या जो बेल मेटल में जिससे मंदिर में घंटियां बनती हैं 10 दिन अलॉय ऑफ आई थिंक 2-3 मेटल्स उसमें बनाते हैं उसको, और उसको भी लिटिल फिंगर में सबसे छोटी उंगली में वेडनेसडे के दिन पहनते हैं. जुपिटर का जहां तक सवाल है उसका जो जेम स्टोन है वो येलो सफायर है जिसको हम पोखराज कहते हैं, और जो सब्स्टिट्यूट स्टोन है वो गोल्डन टोपाज है. इसको हम गोल्ड में और जो इंडेक्स फिंगर होती है अंगूठे के साथ वाली उसमें थर्सडे के दिन पहनते हैं. वीनस है, वीनस का जो जेम स्टोन है वो डायमंड है, और इसको हम झरकिन भी कहते हैं सब्स्टिट्यूट स्टोन में, या अमेरिकन डायमंड जैसे आप जानते हैं उसको भी हम वो भी कहते हैं उसको जो है. और वीनस का जो है या तो हम सबसे छोटी उंगली में पहनते हैं या सबसे बड़ी उंगली में पहना जाता है वो स्टोन. सैटर्न है, सैटर्न का ब्लू सफायर है नीलम जिसको हम बोलते हैं, और इसके जो सब्स्टिट्यूट स्टोन्स हैं एमेथिस्ट है, लैपिस है, एक्वामरीन है, या ब्लू टोपाज है. इसको हम पंच धातु में नॉर्मली या फिर हम गोल्ड में भी पहन सकते हैं, और इसको हम मिडिल फिंगर में इसको पहना जाता है. और सैटरडे के दिन क्योंकि शनिवार का दिन होता है इसका, राहु का जहाँ तक सवाल है वो गोमेद है स्टोन उसका, और गोमेद को भी हम अष्ट धातु में मिडिल फिंगर में सैटरडे के दिन पहनते हैं. और केतु है कैट्साई जिसको हिंदू में लेसुनिया भी बोलते हैं, ये सिल्वर में रिंग फिंगर में ट्यूसडे या थर्सडे के दिन पहना जाता है. तो ये जेम स्टोन है हर प्लैनेट के, और जैसे मैंने कहा कि हम जेम स्टोन सिर्फ उसी प्लैनेट का पहनेंगे जो हमारे लिए शुभ है. कोई भी प्लैनेट अगर अशुभ है या किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में अगर ठीक नहीं है तो हम उसका जेम स्टोन नहीं पहनते. और जेम स्टोन पहनने का तरीका भी है कि नॉर्मली आप देखते हैं कि हम जो भी रिंग वगैरह बनवाते हैं तो उसको पहनने से एक दिन पहले हम उसको या तो मिल्क में या कर्ड में उसको डाल देते हैं, और अगले दिन मॉर्निंग में जो पर्टिकुलर डे जिस दिन पहना है तो विद इन वन आवर ऑफ सनराइज उसको किसी भी शुद्ध पानी में गंगा जल में या गंधोदक वगैरह में धोकर हम उसको पूजा पाठ करके मंत्र का जाप करके हम उसको पहन सकते हैं. लेकिन दो स्टोन है, एक तो कोरल है एक रूबी है, इसको अगर हम मिल्क या कर्ड में डालेंगे तो ये खराब हो जाते हैं स्टोन. तो कहते हैं कि जो रूबी है उसको हम लाइम वाटर में डालते हैं और जो कोरल है उसको सोप वाटर में डालते हैं. तो इन दोनों को हमें कच्चे दूध में उसमें नहीं डालना है. जहां तक वेट का सवाल है कितने वेट का होना चाहिए स्टोन, उसके बारे में भी कहीं कहीं बुक्स में अलग अलग लोगों का मत है.
कुछ लोग कहते हैं कि जो स्टोन का वेट है दैट शुड बी 1 carat per 10 kg. मान लीजिए कि अगर 50 किलो अगर वेट है नेटिव का तो 5 carat का स्टोन होना चाहिए. कुछ कहते हैं कि 12 kg इज इक्वल टू 1 carat. अगर 60 किलो का वजन है तो 5 carat का पहनना चाहिए. कुछ जगह ये भी लिखा गया कि जो दो तरह के स्टोन होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट होते हैं और एक ट्रांसपेरेंट नहीं होते एक्चुअली. तो कहते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट स्टोन होते हैं कि इफ इट इज अबव 3 carat देन इट इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम. और जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं उनका वेट थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. बट नॉर्मल केस में हम देखेंगे कि जो वेट है वो अगर 4.25 carat या 5.25 carat है, इससे ज्यादा हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं. तो उतने ही कैरेट का हम रिंग बनवाते हैं. और जब रिंग नहीं पहन सकता कोई डॉक्टर है या कोई बच्चा है तो लॉकेट हम बनवाते हैं. तो कहते हैं लॉकेट का वेट जो है वो डबल होना चाहिए देन द वेट ऑफ द रिंग एक्चुअली. तो ये चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं जब भी हम किसी भी प्लैनेट का जेम स्टोन पहने. बट दो चीजें हैं जैसे मैंने कहा कि जहां तक लग्न के लॉर्ड का सवाल है, लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस, उसका जेम स्टोन नॉर्मली हम पहन सकते हैं. बट बाकी कोई भी स्टोन पहनने के लिए हमें बहुत अच्छी तरह से हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक एस्पेक्ट को हमारा अच्छा करता है लेकिन दूसरे एस्पेक्ट में काफी नुकसान भी कर सकता है. रुद्राक्ष का भी हम इस्तेमाल करते हैं. और रुद्राक्ष का मतलब है रुद्र प्लस अक्ष, टीयर्स ऑफ लॉर्ड शिवा. और ये भी जो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस का होता है, जैसे हम सुनते भी हैं कि एक मुखी से लेके 21 मुखी या वन फेस से लेके 21 फेस तक होता है. और इसके अलावा भी जो है रुद्राक्ष एक ट्विंस में भी मिलता है, एक दो इकट्ठे होते हैं, उसको हम गौरी शंकर रुद्राक्ष बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं. और कभी कभी 3 रुद्राक्ष इकट्ठे कंबाइंड होते हैं, जो कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश का एक सिंबल माना गया. और कहते हैं कि जो रुद्राक्ष होते हैं इनके अंदर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी जो फिजियोलॉजी है उसको इफेक्ट करती हैं. और रुद्राक्ष का हम जो इस्तेमाल करते हैं 3 तरह से कर सकते हैं. एक तो किसी बीमारी के लिए भी इस्तेमाल करता है, मेडिकल पर्पज के लिए भी, दूसरा प्लैनेट के लिए भी करते हैं हम लोग, और एक नॉर्मल हमारा वेल बीइंग के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि एक मुखी रुद्राक्ष है और नॉर्मली जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो 4 to 14 मुखी होते हैं, 4 to 14 faces. और बाकी जो है या तो मुश्किल से मिलते हैं या फिर बहुत कॉस्टली होते हैं. बट नॉर्मली जैसे 4 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए 1 मुखी है तो ये बेसिकली सन के लिए हम करते हैं कि सन को हम और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो सन की हम माला पहन सकते हैं या उसका रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं. जहां तक बीमारी का सवाल है, कभी कभी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, कोई राइट आई में प्रॉब्लम है, हेड में प्रॉब्लम है, ईयर में प्रॉब्लम है या बोन्स में प्रॉब्लम है. और वैसे भी माना जाता है कि इट लिबरेट्स फ्रॉम ऑल द सिंस एंड गुड फॉर पावर एंड वेल्थ एक्चुअली. तो ऐसे लोग जिनको पावर चाहिए, वेल्थ चाहिए, वो आपने देखा भी होगा कि 1 मुखी रुद्राक्ष का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे 2 मुखी रुद्राक्ष है उसको मून के लिए करते हैं, 3 मार्स के लिए करते हैं, 4 मरकरी, 5 जुपिटर, 6 वीनस, 7 सैटर्न. और इसी तरह से जो है हम डिफरेंट डिफरेंट फेसेस वाले रुद्राक्ष का डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं. और रुद्राक्ष के बारे में जो बेसिकली देखने की चीज है, क्योंकि आजकल रुद्राक्ष भी डुप्लीकेट मिलते हैं तो हमें एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि उसका कुछ वेट होता है तो हाथ में लेकर हम देख सकते हैं कि वेट है या नहीं है. उसका एक ग्लो होना चाहिए हेल्दी, क्योंकि अगर खराब हो जाता है तो वो सूख जाता है तो वेटलेस हो जाता है, वेट नहीं होता उसका, काला पड़ जाता है. और कभी कभी जो उसको वॉर्म्स वगैरह खा जाते हैं, खराब कर देते हैं उसको. और कभी कभी जो है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं. तो जब क्रैक आ जाता है तो उसको हम या तो पानी में या किसी भी ऑयल में डुबो देते हैं. तो नॉर्मली जो क्रैक्स हैं वो अपने आप फिल अप हो जाते हैं. और अगर नहीं होते हैं फिर हम उसको यूज नहीं करते उस रुद्राक्ष का.
ये बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं फॉर डूइंग द रेमेडीज. और जैसे आपने देखा कि एक डोनेशन, एक जेम स्टोन और तीसरा जो है पूजा पाठ या प्रेयर्स. जो है जेम स्टोन सिर्फ जो प्लैनेट शुभ है उसी का पहनेंगे. पूजा पाठ हम दोनों केसेस में कर सकते हैं, भले प्लैनेट शुभ है या अशुभ है, दोनों केस में फायदा करता है. और जो डोनेशन है वो सिर्फ हम उन्हीं प्लैनेट का करते हैं जो हमारे लिए अशुभ होते हैं. तो एनी क्वेश्चन ऑन दिस? सर अगर केंद्रम योग है तब किस चीज का करेंगे, मतलब तब हम किसी से चांदी नहीं ले सकते ना? क्या चीज? अगर केंद्रम योग है मून वाला, हाँ, तो हम किसी से चांदी दान नहीं ले सकते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अशुभ है चंद्रमा, तो ऐसी चीजों का हम दान नहीं कर सकते. कर सकते. या सर इसमें हस्बैंड और वाइफ का भी, तो जैसे हस्बैंड का अगर खराब है चंद्रमा और वाइफ का अच्छा है तो दान कौन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे हम लोग देना है तो हम दोनों ही करेंगे ना, हस्बैंड नहीं. जैसे हम फैमिली में फंक्शन हो रहा है, मान लीजिए शादी हो रही है घर में, तो नेचुरली वी विल गो बाय द हॉरोस्कोप ऑफ हस्बैंड एक्चुअली, बिकॉज़ ही इज द हेड ऑफ द फैमिली. ओके, या ठीक है सर. सर फिर लेट्स टेक द हॉरोस्कोप एक्चुअली. ठीक. हाँ राजीव जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए. 8 May 1997. टाइम और टाइम 7:15 मॉर्निंग. प्लेस इज लखनऊ. लखनऊ. तो दिस इज 8 May 1997. ये हॉरोस्कोप है. अब हम एक एक प्लैनेट को लेके देखते हैं पहले कि कौन सा प्लैनेट बेनिफिक है, कौन सा प्लैनेट मैलिफिक है. फिर हम हाउसेस को भी देखते हैं, कौन कौन से हाउसेस कैसे हैं, कौन से इसमें योग बन रहे हैं इस हॉरोस्कोप में, वो भी हम देखेंगे. और नेचुरली वी विल ट्राई टू सी द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस चार्ट एक्चुअली. तो लेट्स स्टार्ट विद द योग, कि कौन कौन से योग इस हॉरोस्कोप में बन रहे हैं, कोई बताएगा? बुध आदित्य योग. या सन और मरकरी इकट्ठे हैं यहाँ पे, देयर टुगेदर, सो इट मेक्स द बुध आदित्य योग. एंड बुध आदित्य योग इज बेसिकली कंसर्न विद द इंटेलिजेंस ऑफ द नेटिव. और यहाँ पर सन और मरकरी का डिस्टेंस भी हम देख लेते हैं. सन इज 23 डिग्री और मरकरी इज 5 डिग्री, सो दे आर डिस्टेंट अपार्ट. तो कंबस्ट नहीं है, या इट विल रिमेन एज ए बुध आदित्य योग ओनली. सो इट मेक्स द नेटिव मोर इंटेलिजेंट एक्चुअली. और ये ट्रिट हाउस में है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, इट बिकम स्लाइटली वीक एक्चुअली, बट सन इज एग्जॉल्टेड, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए वीक आल्सो. ओके, और बताइए और कौन सा योग बन रहा है इसमें? सर दो दो एक्सचेंज भी है इसमें. हाँ बताइए ना. जुपिटर एंड सैटर्न का. वेरी गुड. यहाँ पर सन एंड मार्स. हाँ, जुपिटर और सैटर्न का एक्सचेंज है. And we have said that any exchange in the horoscope is a Raj Yog. Any exchange. तो यहाँ पर इसका लॉर्ड यहाँ पर है, इसका लॉर्ड यहाँ पर है. तो 9th और 11th हाउसेस के लॉर्ड का आपस में एक्सचेंज हो गया. तो दिस इज वन ऑफ द राज योग.
फिर जैसे यहाँ का सन और मार्स का भी एक्सचेंज है, सन और मार्स का एक्सचेंज है, तो क्योंकि इसका लॉर्ड यहाँ पर है, इसका लॉर्ड यहाँ पर है, राइट, तो इट क्लियरली इंडिकेट कनेक्शन विद द फॉरेन कंट्री, क्योंकि नाइन्थ और इनका लॉर्ड का एक्सचेंज होता है और इसका इसका एक्सचेंज है. एनीवे, तो ये हो गया, दो एक्सचेंज हो गए. एंड आई टेल यू, टू एक्सचेंजेस आर वेरी रेयर. एक एक्सचेंज तो बहुत कॉमन है, मिल जाता है, लेकिन दो एक्सचेंज जो होते हैं, इट्स रियली वंडरफुल हॉरोस्कोप, इट्स वेरी गुड पोजिशन ऑफ द पर्सन एक्चुअली. और तीन तीन एक्सचेंज तो सिर्फ एक्चुअली मेरे भतीजे का है ये लखनऊ में. अच्छा. और एक्चुअली क्या है कि उसके फादर की डेथ हो गई 3 साल पहले, उसके पहले वो 5 साल बेड रिडन थे. तो लड़का अच्छा है बट पढ़ाई में उतना ठीक नहीं है. चलिए अब देखते हैं कि करके, अभी तो लेट अस सी, पता नहीं. तो जुपिटर नीच का हो गया. हाँ, जुपिटर नीच का है, बट हम लोगों ने कहा था कि जो एक नीच भंग राजयोग होता है, नीच भंग राजयोग, तो आई डोंट थिंक कि मून एंड सैटर्न, नो इट्स नॉट गेटिंग कैंसिल्ड एक्चुअली. तो जुपिटर जो है वो नीच का है. जुपिटर इज द बेसिक प्लैनेट ऑफ प्रोस्पेरिटी, वो थोड़ा नीच का है. और यहाँ पर 8th हाउस का लॉर्ड भी है, तो वो थोड़ा सा जुपिटर जो है वीक हो जाता है. अच्छा, बाकी योग देखिए और कौन सी योग है. पंच महापुरुष योग बताए थे आपको. यस सर, वीनस बना रहे. तो वीनस जो है यहाँ पर अपनी साइन में है और केंद्र में बैठा हुआ है. तो वीनस से जो पंच महापुरुष योग बनता है उसका नाम क्या है. मालव्य महापुरुष योग. मालव्य महापुरुष योग. सो इट गिव्स ऑल मटेरियल कंफर्ट्स इन द लाइफ, ऑल लग्जरीज इन द लाइफ. तो ये वीनस जो है वो बेसिकली मालव्य महापुरुष योग यहाँ बना रहा है. और अनफा योग बन रहा है इसमें. अनफा योग मून के 12वें घर में मरकरी है. हाँ, मून के दोनों तरफ प्लैनेट हैं, सन के दोनों तरफ प्लैनेट हैं, तो उभयचरी योग बन गया. मून के भी प्लैनेट हैं साथ में, तो मून भी ठीक है और मून उच्च का भी है, एग्जॉल्टेड भी है. मून एग्जॉल्टेड भी है. मेरी पहली दिक्कत ये हो रही है कि ये जो चार्ट है और जो चार्ट मेरे पास था या जो जगन्नाथ होरा में, तो उसमें शुक्र और चंद्र दोनों लग्न में है. वही तो है यहाँ पर शुक्र भी. हाँ, शुक्र है, भी वीनस. शुक्र चंद्र है. वीनस तो यही है ना यहाँ पर. सॉरी, तो दोनों ही लग्न में है यहाँ पर. और बताइए, मून एग्जॉल्टेड है जैसे हमने देखा अभी. और हाँ, और हम लोग प्लैनेट की स्ट्रेंथ को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, उससे भी थोड़ा सा आइडिया लगता है हमें. सर, मांगलिक भी हो गए 4th हाउस में मंगल होने से. हाँ, मांगलिक है 4th हाउस में. मांगलिक तो सभी होंगे घर. तो यहाँ जो स्ट्रेंथ है प्लैनेट की, सन का आप देख रहे हैं 7.5 है, ये 8.8 है, 7.3, 7.9, 8.7, 7.8, 4.8, एक्सेप्ट शनि. बाकी प्लैनेट सब स्ट्रांग है एक्सेप्ट सैटर्न. ऑल प्लैनेट्स आर क्वाइट स्ट्रांग एक्चुअली. ऑल प्लैनेट्स आर क्वाइट स्ट्रांग. वो रीजन भी है क्योंकि शनि जो है यहाँ पर, उसके ऊपर मंगल का भी एस्पेक्ट है और राहु का भी. ये मंगल और शनि और केतु तीन प्लैनेट यहाँ पर एसोसिएटेड है, इसलिए जो शनि है थोड़ा सा वीक हो जाता है यहाँ पर. इवन दो इट इज योग कारक प्लैनेट. योग कारक कहते हैं जब कोई भी प्लैनेट केंद्र और ट्राइन दोनों हाउसेस का लॉर्ड होता है. तो ये ट्राइन हाउस है, ये क्वाड्रेंट हाउसेस है, तो इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड होने की वजह से जो है शनि योग कारक बन जाता है. लेकिन शनि की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा कम है, और
शनि ही एक प्लैनेट है जो हमको स्टेटस भी देता है, लाइफ में स्टेटस भी देता है, तो शनि थोड़ा सा वीक है। और जुपिटर 9th हाउस में है, जुपिटर 9th हाउस में है, तो जुपिटर की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर दैट इज 6.7, तो जुपिटर इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, भले ही वो नीच का है लेकिन उसका जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा है, so that will support higher education. Yeah, that indicates higher education also. But main problem क्या है? Main problem is कि this boy is running a bad दशा, actually राहु की दशा चल रही है इसके, that is the main cause of worry actually, और ये दशा भी लंबी चलेगी, और खास तौर से जब राहु सैटर्न का पीरियड चलता है तो इट्स रियली बैड पीरियड इन एनीबॉडीज लाइफ, कोई भी हो कितने भी अच्छे प्लैनेट की पोजीशन हो लेकिन किसी की लाइफ में भी अगर राहु शनि का पीरियड चलता है तो दैट इज सपोज्ड टू बी द वर्स्ट पीरियड इन एनीबॉडीज लाइफ एक्चुअली, वो सही है उसका बुरा पीरियड। तो जब ये राहु सैटर्न का पीरियड खत्म होगा 22 में, हाँ उसके बाद ये मरकरी है तो उसकी सही हो जाए इसका, मरकरी का जो पोजीशन है यहाँ पर देखिए मरकरी की क्या पोजीशन है, थ्री हाउस में मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ दिस टू हाउसेस, दिस हाउस एंड दिस हाउस एक्चुअली फिफ्थ हाउस, और फिफ्थ हाउस के ऊपर जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, और यहाँ पर मरकरी क्योंकि सन के साथ है, एग्जॉल्टेड सन के साथ है, तो और इसके साथ तीनों बेनिफिक और बाकी बेनिफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन वीनस यहाँ पर है और जुपिटर भी इसको देख रहा है, तो मरकरी का प्लेसमेंट खराब नहीं है, मरकरी का प्लेसमेंट ठीक है एक्चुअली में। तो अभी क्या कर रहा है ये? अभी वो उसने जस्ट बीबीए खत्म किया है कोर्स, हाँ, और पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं रही, शुरू में ठीक थी बीच में खराब हो गई क्योंकि फादर ऑलमोस्ट डेथ बेड पे था फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट मेरे हिसाब से लड़का अच्छा है। नहीं लड़का तो इतना बढ़िया इसका चार्ट है, मेन प्रॉब्लम इज ओनली बिकॉज की जो दशा चल रही है वो खराब है, राहु की दशा, राहु की दशा अगर नहीं होती तो ये दो एक्सचेंज है, ये पंच महापुरुष योग है, तो वो काम तो करेंगे, आगे जाके काम करेंगे, सन एग्जॉल्टेड है तो इसलिए होपफुल कि जुपिटर शायद हायर एजुकेशन में सपोर्ट कर दे आफ्टर सैटर्न की अंतरदशा खत्म हो 22 में। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये राहु सैटर्न का पीरियड खत्म होगा तो राहु मरकरी का पीरियड शुरू होगा, तो, के बाद सही है। हाँ तो उसके बाद पीरियड ठीक होना शुरू हो जाएगा, काफी ठीक होना शुरू हो जाएगा। राहु सैटर्न का पीरियड तो कैसा भी व्यक्ति हो कैसे भी अच्छी प्लैनेट की पोजीशन हो लेकिन जब ये पीरियड चलता है तो वाकई में बहुत खराब पीरियड होता है एक्चुअली। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दशा इस समय जो हुआ वो खराब चल रही है। मेन प्रॉब्लम क्या है? एक तो ये जो राहु की और सैटर्न का पीरियड चल रहा है, दूसरा जैसे गोचर की हम बात करते हैं ट्रांजिट की, तो आजकल जो राहु की पोजीशन है यहाँ पर सेकंड साइन में मून के साथ है तो भी एक जो राहु का ट्रांजिट है वो भी ठीक नहीं है इस समय जो है, दशा भी खराब है और ट्रांजिट भी बहुत अच्छा नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी। और देखिए मून जो है ना इसका आप एक एक प्लैनेट को हम देखते हैं क्या पोजीशन है, मान लीजिए कि स्टार्ट विद द सन एक्चुअली, तो सन की क्या पोजीशन है आप? तो सन एग्जाल्टेड है, सन एग्जाल्टेड है और सन मरकरी के साथ प्लेस्ड है, यस, इस साइड में जो वीनस है और जुपिटर भी यहाँ पर देख रहा है, तो लेकिन वो जो मैलिफिक बेनिफिक चार्ट है उसके हिसाब से सन, हाँ उसके हिसाब से देखते हैं एक एक प्लैनेट को। तो स्टार्ट विद द सन, एक्चुअली सन इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, हाँ ठीक है, फोर्थ हाउस का, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसके लॉर्ड के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है, लग्न के लॉर्ड के साथ, सन को लग्न के लॉर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, सन मून तो अच्छे, तो वीनस जो वीनस वीनस का एनिमी है सन, यस सर, वीनस का एनिमी है, नॉर्मल केस में हम कहते हैं कि फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट है, लेकिन जब कोई भी प्लैनेट एग्जॉल्टेड होता है
अपनी राशि में होता है या योग कारक होता है या बेनिफिक प्लैनेट के साथ उसका एसोसिएशन होता है, तो वो अपने आप ही शुभ हो जाता है। इट विल नॉट रिमेन एज ए फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट, इट बिकम्स ए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट। क्योंकि सन एग्जॉल्टेड है, एनी एग्जॉल्टेड प्लैनेट इज ऑलवेज बेनिफिक, कभी उसके रिजल्ट आपको खराब नहीं मिलेगा। तो हमें उस एंगल से देखना पड़ेगा कि दो जो हमारी जो नॉर्मल डेफिनेशन है उसके हिसाब से फंक्शनल मैलिफिक है, बट क्योंकि ये एग्जॉल्टेड है, इट इज एसोसिएटेड विद ऑल बेनिफिक प्लैनेट्स, तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, राइट। अब हम मून को देखते हैं, मून की क्या पोजीशन है? तो केंद्र में ही है, इसलिए अच्छा होगा ही। मून उच्च का है, एग्जॉल्टेड है, मून एग्जॉल्टेड है तो अपने आप ही अच्छा हो जाता है। मार्स को देखिए, मार्स मेलिफिक है, स्वराशि एग्जॉल्टेड कुछ नहीं है, एंड क्लोजर टू कैंसर, दैट इज क्लोजर टू नीच का जो उसका है। मार्स इज अ लॉर्ड ऑफ थ्री हाउस, मार्स इज अ लॉर्ड ऑफ थ्री हाउस, इट्स नॉट अ लॉर्ड ऑफ ट्राइन हाउस, एनी ऑफ द ट्राइन हाउस। The lord of any trick house is always functional malefic planet. Yes. Right? So, Mangal ko hum kahenge, Mangal is a functional malefic planet in this case. Mars. Right? Phir, Mercury ko dekhiye. Mercury ki kya position hai? Mercury is the lord of this house as well as this house. Yep. ठीक है, मर्करी इज लॉर्ड ऑफ ट्राइन हाउस, ट्राइन हाउस का लॉर्ड भी बेनिफिक होता है प्रोवाइडेड इट्स मूल त्रिकोण साइन डज नॉट फॉल इन ए त्रिक हाउस, नहीं है वो त्रिक हाउस में, तो मर्करी भी हम कहेंगे फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट। फिर जुपिटर को देखें, जुपिटर एट्थ लॉर्ड है, हाँ तो वो भी त्रिक हाउस का लॉर्ड हो गया, लेकिन जुपिटर मैलिफिक होगा क्योंकि उसका सेकंड हाउस नहीं, वो सेकंड हाउस उसमें वो नहीं है, बट बीइंग अ लॉर्ड ऑफ दिस एर्थ हाउस सो इट बिकम्स फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट, राइट। फिर हम वीनस को देखें, वीनस तो कोई डाउट नहीं है, इज लॉर्ड ऑफ असेंडेंट, इट इज इन द ओन साइन, it is making that Malavya Mahapurush Yog. So Venus is of course is a functional benefic planet in this case. Saturn ko dekhiye. Saturn Yog Karak ho gaya sir, to bilkul benefic rahega. Yeah, Yog Karak planet jo bhi hota hai, wo hamesha benefic hota hai. To Saturn bhi benefic hai. To iska matlab ye hua ki sirf Mars hi ek aisa planet hai जो इस हॉरोस्कोप में फंक्शनल मैलिफिक है, और जुपिटर है, दो प्लैनेट हैं मार्स और जुपिटर जो फंक्शनल मैलिफिक है। तो फिर इसमें राहु का कैसे एनालाइज करें कि राहु, जो राहु केतु के बारे में, ये प्लैनेट नहीं है, दे आर बेसिकली शैडोई प्लैनेट्स, तो इनके अपने रिजल्ट्स नहीं होते हैं। कहते हैं कि जो इनके रिजल्ट्स होते हैं दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेंगे, पहला किन प्लैनेट के साथ में प्लेस्ड है और किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है उसके ऊपर। जैसे हम यहाँ पर राहु को देखें तो राहु के साथ कोई प्लैनेट नहीं है, राहु के ऊपर जो एस्पेक्ट है वो किसका है, शनि का है और जुपिटर का है, शनि का है और जुपिटर का है। तो राहु केतु के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले कि किन प्लैनेट के साथ उनका प्लेसमेंट है और कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट है उनके ऊपर, तो उसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता है, उसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होता है उसके रिजल्ट देता है। बट मान लीजिए किसी सिचुएशन में ना तो कोई प्लैनेट साथ में है और ना ही कोई प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है उसको, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि कोई प्लैनेट है भी नहीं और कोई प्लैनेट एस्पेक्ट भी नहीं कर रहा उसको, तो उस केस में कहते हैं कि जिस साइन में वो बैठा हुआ है उस साइन का लॉर्ड। जैसे यहाँ पर
सिक्स साइन में है तो इसका लॉर्ड मरकरी, तो मरकरी के रिजल्ट देता अगर ये सैटर्न एस्पेक्ट नहीं करता है, जुपिटर एस्पेक्ट नहीं करता. तो यहाँ पर इसको सैटर्न और जुपिटर दो प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, स्ट्रॉन्गर होगा इन दोनों में से, राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ दैट प्लैनेट. राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ दैट प्लैनेट. और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि अगर हम देखें कि जुपिटर और सैटर्न में कौन स्ट्रॉन्ग है, नेचुरली जुपिटर इज स्ट्रॉन्गर. जुपिटर इज स्ट्रॉन्गर. तो राहु जुपिटर के रिजल्ट दे रहा है और जुपिटर अभी हमने देखा कि फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट है इस वर्ष को. केतु का देखिए, केतु के सैटर्न साथ में है और एस्पेक्ट किसका है केतु के ऊपर, सैटर्न के ऊपर, मंगल का और राहु का, मार्स एंड, हाँ मंगल का एस्पेक्ट है केतु के, जो केतु है वो सैटर्न के साथ प्लेस्ड है और मंगल का एस्पेक्ट है. तो नेचुरली इन दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्गर प्लैनेट होगा सैटर्न और मार्स में, केतु उस प्लैनेट के रिजल्ट देगा आपको. तो यहाँ पर आप देखें कि मार्स इज 7.3 एंड सैटर्न इज 4.8 एक्चुअली. तो नेचुरली मार्स के रिजल्ट मिलेंगे केतु की दशा में, और मार्स भी हमने देखा कि मैलिफिक प्लैनेट है इस हॉरोस्कोप के लिए. तो हाँ, तो राहु केतु के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे इस हॉरोस्कोप. यस सर. सर ऐसे भी कहते हैं ना कि राहु की दशा बचपन में आ जाए तो पढ़ाई को खराब कर देती है, स्टडी पे इफेक्ट पड़ जाता है. नहीं, पढ़ाई से मतलब नहीं है राहु केतु का, फिफ्थ हाउस में है जैसे सर, फिफ्थ हाउस में है. हाँ, फिफ्थ हाउस में राहु होता है तो क्या होता है, तो सर स्टडी को नहीं करेगा प्रॉब्लम, और जुपिटर को भी अफ्लिक्शन दे रहा है. नहीं नहीं नहीं, हमें जो हायर एजुकेशन है वी सी फ्रॉम दिस हाउस. ठीक है, तो इसके ऊपर जुपिटर का भी एस्पेक्ट है. हाँ जी, बट जुपिटर पे भी तो राहु का एस्पेक्ट है और जुपिटर नीच का हो गया. पहले हम इसको देख रहे हैं हायर एजुकेशन की, ये वाला हाउस है ना कि ये वाला हाउस. हाँ जी, तो दिस इज द हाउस ऑफ हायर एजुकेशन, राइट. तो हमें इसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट है, दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट. राहु सैटर्न का भी है बट साथ में जुपिटर का भी है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी बनती है. और जब भी राहु सिक्स हाउस में होता है तो सॉरी फिफ्थ हाउस में, तो ऐसे लोगों को हमेशा इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है. हाँ जी, हाँ जी. कभी भी जो ऐसे लोग हैं वो गरिष्ठ भोजन नहीं कर सकते, कुछ भी अगर उनको अच्छा खाना खिला दीजिए उनका पेट खराब हो जाएगा. यस सर. और आप कितने भी टेस्ट करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, कुछ नहीं निकलेगा उसमें जो. यस बिल्कुल. बट दे आर नॉट मेंट टू ईट गुड फूड एक्चुअली, वो हमेशा प्रॉब्लम रहती है पेट की उनको. बट जो मेन प्रॉब्लम लगती है वो ये दशा की वजह से, जो गलत टाइम पर ये दशा शुरू हुई है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ प्रॉब्लम एक्चुअली. और मुझे लग रहा है कि जैसे राहु सैटर्न का पीरियड खत्म होगा तो पोजीशन डेफिनेटली बेटर होगी, देन यू कैन गो फॉर हायर एजुकेशन आल्सो. और धीरे धीरे करके क्योंकि दो एक्सचेंज हैं, बहुत रेयर होते हैं दो एक्सचेंज एक्चुअली में. और ये पंच महापुरुष योग भी है, मून उच्च का है, सन उच्च का है, सैटर्न योग कारक है, तो प्लैनेट की पोजीशन तो अच्छी है, काफी अच्छी है. और जैसा मैंने कहा कि ये तो सब ठीक है, दिस इज इंडिकेटेड बाय दिस चार्ट, बट फाइनली वी गेट कंफर्मेशन ऑफ ऑल दिस थिंग थ्रू डिविजनल चार्ट्स. तो डिविजनल चार्ट जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक हमें हो सकता है कुछ भी ना मिले इसमें से, तो हमें लाइफ के इंडिविजुअल एस्पेक्ट के बारे में जो भी कंसर्न डिविजनल चार्ट है उसको देखना पड़ेगा. एजुकेशन का बारे में अलग डिविजनल चार्ट होता है. तो जब तक वो सपोर्ट नहीं करेगा तो हो सकता है एजुकेशन ना हो. प्रोफेशन का अलग डिविजनल चार्ट होता है, तो अगर प्रोफेशन का डिविजनल चार्ट सपोर्ट नहीं करता तो हो सकता है कि प्रोफेशनली सब कुछ ये जो भी इंडिकेटेड है कुछ ना मिले उसको भी. इंपॉर्टेंट हो जाता है.
और खास बात यह है कि हर डिविजनल चार्ट को देखने का तरीका भी अलग है. दे आर नॉट टू बी सीन लाइक दिस लग्ना चार्ट एक्चुअली. और हर डिविजनल चार्ट को अलग तरीके से हम देखते हैं. तो जो भी जो इंडिकेशन मिलते हैं यहाँ से, एक तो हम उनको वेरीफाई करते हैं थ्रू डिविजनल चार्ट, और दूसरा जो उस एस्पेक्ट के बारे में डिटेल, जैसे मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछता संतान के बारे में, रुजानी के बारे में, तो हमने यहाँ पर फिफ्थ हाउस को देखा और जुपिटर की पोजीशन देखी. जुपिटर कारक है प्रजनी का, और हमने कुछ इंडिकेशन दिया संतान के बारे में, ये पोजीशन है यहाँ पर, तो उसको हम कंफर्म करेंगे एक जो संतान वाला डिविजनल चार्ट है. और संतान से संबंधित जो भी डिटेल हो सकता है, संतान से संबंधित जो भी डिटेल हो सकता है वो हम उस चार्ट से एग्जामिन करेंगे. अब संतान से संबंधित क्या डिटेल होता है, सबसे पहले लोग क्वेश्चन क्या पूछते हैं, मेल फीमेल. हाँ जी सर, मेल फीमेल का पूछते हैं, उससे भी ऊपर क्या पूछते हैं. हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आज हमारी सोसाइटी कितनी भी चेंज हो गई हो, पहला क्वेश्चन यही होता है कि लड़के का योग है या नहीं. आई डोंट नो व्हाई दे आस्क, बट इवन देन एवरीबॉडी इज आस्किंग एक्चुअली. और ये आप यहाँ से नहीं बता सकते लग्न चार्ट से कि मेल प्रोजेनी का सुख है या नहीं है, वो आप डिविजनल चार्ट से बता सकते हैं. फिर और क्या क्वेश्चन होता है, फिर नेक्स्ट कब होगा संतान, कब होगी, तो वो भी आप इससे नहीं बता सकते यहाँ पर. अच्छा, उसके लिए भी हमें डिविजनल चार्ट देखना पड़ेगा संतान वाला. और एक पर्टिकुलर टाइम में मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि मेल भी कभी होता है कभी फीमेल होता है, एक पर्टिकुलर दशा अंतरदशा में मेल होगा या फीमेल होगा, ये भी पता चलता है, ये भी उससे पता लग जाता है. यू कांट टेल बाय दिस विद दिस चार्ट एक्चुअली, बट दैट चार्ट विल गिव यू द डिटेल ऑफ दैट आल्सो, कि एक पर्टिकुलर दशा अंतरदशा में मेल होगा या फीमेल सेक्स होगा. और क्या होता है उसमें, कई बार हम गो फॉर एडॉप्शन, तो एडॉप्शन के लिए आप जाएंगे नहीं जाएंगे, वो भी हम डिविजनल चार्ट से देख सकते हैं. और कभी कभी क्या है कि सम मेडिकल प्रॉब्लम इज देयर आइदर विद हस्बैंड और वाइफ, तो मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है रीजन फॉर द डिले और डिनायल ऑफ प्रोजेनी, तो उसमें ये पता लग जाएगा कि वाइफ के साथ मेडिकल प्रॉब्लम है या हस्बैंड के साथ मेडिकल प्रॉब्लम, वो हम उस चार्ट से देख सकते हैं. और कभी कभी आजकल जो नॉर्मल केसेस होते हैं कि सब कुछ ठीक है, बट आइदर हस्बैंड और वाइफ दे डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन एक्चुअली, ये भी बहुत बार होता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन वो चाहते नहीं है बच्चे पैदा करना चाहिए. तो कौन नहीं चाहता, मेल नहीं चाहता या फीमेल नहीं चाहती, वो भी हम उससे पता लगा लेते हैं उस चार्ट से जो है. और इससे भी सब चीजें ऊपर क्या है कि एवरीथिंग इज फाइन, इस चार्ट में बहुत अच्छा संतान सुख है और डिविजनल चार्ट भी कंफर्म कर रहा है उसको, बट देयर आर सम कॉम्बिनेशंस व्हिच डिनाई मदरहुड टू ए फीमेल, कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं कि जो फीमेल है वो मां नहीं बन सकती. तो इफ यू फाइंड सच कॉम्बिनेशन देन वी गो फॉर नेचुरली अल्टरनेट मींस आल्सो लाइक सरोगेसी और एनीथिंग एल्स एक्चुअली. तो लाइफ के एक एक एस्पेक्ट के बारे में जो भी डिटेल पॉसिबल होता है वो हम फिर डिविजनल चार्ट से देखते हैं, उसको कंफर्म करते हैं. तो यहाँ पर जो भी इंडिकेशन मिल रहा है इस चार्ट में, ये बेसिक चार्ट है हमारा, तो जब हम कंफर्म करेंगे तो हो सकता है कि ठीक हो सकता है ना भी ठीक हो, इसमें से कुछ भी ना मिले. तो दैट्स व्हाई एनालिसिस ऑफ डिविजनल चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And I tell you, there are only very few astrologers who know how to analyze the divisional chart. Yes, sir. वो लोग सब इसी को देख के बता देते हैं. और कई बार आपके पास बहुत लोग ऐसे आएंगे कि ये चार्ट बहुत अच्छा है और उसको मिलता नहीं है कुछ भी लाइफ में, क्योंकि डिविजनल चार्ट उसको कन्फर्म नहीं करते.
तो जस्ट मैं हम सेइंग कि ये तो अभी बेसिक चीज है, इसमें तो हम सिर्फ ये बेसिक चार्ट में हम एनालाइज कर सकते हैं कि प्लैनेट की पोजीशन क्या है, योग क्या है, और दूसरी चीज ये है कि ये तो हमने देखा इतना अच्छा है ये, तो हम इसको कंफर्म कर लेंगे। लेकिन अगर यहीं पर खराब होता तो मान लीजिए कि लग्न चार्ट ही खराब है, फिर डिविजनल चार्ट हैव नो वैल्यू, कि जब अगर यहाँ पर किसी चीज का सुख नहीं है तो डिविजनल चार्ट कुछ भी बताए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक इंडिकेशन शुड कम फ्रॉम द लग्न चार्ट, कोई भी जब हम लाइफ का एस्पेक्ट एग्जामिन करते हैं उसका जो बेसिक इंडिकेशन है वो हमें इससे मिलना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर हाउस है तो वो इंडिकेट करता है कि मान लीजिए किसी का मैरिज का है कि मैरिज का सुख नहीं है इसको, तो नवान चार्ट कुछ भी हो, डिविजनल चार्ट कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब डिविजनल चार्ट को हम जब ही देखते हैं जब यहाँ से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलता है, जैसे इस चार्ट में है सब पॉजिटिव इंडिकेशन आपको मिल रहे हैं, तो इनको हम फर्दर वेरीफाई करेंगे थ्रू डिविजनल चार्ट्स। ओके सर, नहीं ये बहुत क्लियर हुआ अभी। यस थैंक यू। तो सर डिविजनल चार्ट कब सिखाएंगे? डिविजनल चार्ट एक्चुअली नेक्स्ट हायर उसमें करते हैं हम लोग, कि अभी तो हम लोगों ने बेसिक सीखा है बेसिक एक्चुअली में। और एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि हम बेसिक चीज के उसको हम जैसे जैसे पढ़ेंगे अपने आप पढ़ेंगे या कैसे भी पढ़ेंगे तो हमें धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती चली जाती है, देन वी बिकम एक्सपर्ट एक्चुअली। सर आपका नेक्स्ट वो हायर कोर्स कब शुरू होगा? कर सकते हैं इन केस यू ऑल वांट, एक्चुअली वी कैन डू इट। तो कर दीजिए सर, हम तो तैयार हैं। हाँ तो बता दीजिए, आप लोग कंफर्म कर दीजिए व्हाट वी कैन डू। वी कैन हैव ए वन वीक छुट्टी नेक्स्ट वीक। हेलो जी, हाँ जी सर, मैं सोच रहा था ये बात पूछने के लिए दूसरे लोग पूछ लिए। समझा नहीं मैं। सर मैं सोच रहा था कि सर कंटिन्यू करे इसे जो इसका नेक्स्ट हायर लेवल, तो हाँ वही पूछ लिया अच्छा हुआ। वही मैं कह रहा हूँ कि हम कंटिन्यू करेंगे, बट एक वीक हम छुट्टी रख लेते हैं, अगले एक वीक छोड़ के फिर शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ ये सही सर। आप थोड़ा सा उसको रिवाइज भी कर लेंगे, थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे इस चक्कर में। सर एक वीक का सर थोड़ा सा काम दे दीजिए कि हम उसको रट्टा मारेंगे। हाँ ठीक है, दैट इज फाइन। आप अपना अपना हॉरोस्कोप एग्जामिन करिए, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अभी हमने देखा कि कौन सा प्लैनेट फंक्शनल बेनिफिक है मैलिफिक है आपके हॉरोस्कोप में, कौन कौन से योग बने हुए हैं, और हर हाउस की पोजीशन भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है, मैं कोई भी पर्टिकुलर हाउस को एग्जामिन करना है, लेट अस से एनी हाउस, बताइए कौन सा हाउस। लेट से मैरिज। मैरिज ओके, तो ये मैरिज का हाउस होता है सेवेंथ हाउस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कौन से प्लैनेट हैं, कोई प्लैनेट नहीं है, नहीं है। कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट है इसके ऊपर? एर्थ का। इस हाउस के ऊपर मून और वीनस, मून और वीनस एस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों बेनिफिक प्लैनेट हैं, दोनों शुभ ग्रह हैं। यस सर। मून एग्जॉल्टेड है, अपने आप ही शुभ ग्रह बन जाता है, और वीनस जो है वो भी एक बेनिफिक प्लैनेट है, और मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है इसको। यस सर। तो मार्स अपनी राशि को एस्पेक्ट कर रहा है। हाँ जी। और कहते हैं कि कोई भी प्लैनेट जब अपनी राशि को एस्पेक्ट करता है तो इट मेक्स ए राजयोग कंसर्निंग दैट हाउस। केतु भी एस्पेक्ट कर रहा है। हाँ अभी आ रहे हैं। तो इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन ऑफ दिस हाउस, कि कोई भी प्लैनेट अगर अपनी राशि को एस्पेक्ट करता है जब भी तो उस हाउस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये तीन तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए, और जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो केतु देख रहा है इसको। केतु का एस्पेक्ट है इसके ऊपर। तो ओवरऑल अगर हम देखें जहां तक प्लैनेट का सवाल है, इससे पॉजिटिव आप यही कहेंगे कि 70% पॉजिटिव है, 75% पॉजिटिव है, तीन बेनिफिक प्लैनेट है, एक मैलिफिक प्लैनेट है, राइट। फिर हम
सेकंड इसके लॉर्ड की पोजीशन देखेंगे कि इसका लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है। लॉर्ड क्या है हमारे मार्स है जुपिटर yes, लॉर्ड इसका मार्स है लॉर्ड मंगल इज वेल प्लेस्ड इन द केंद्र। केंद्र में कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड होता है तो और इसके ऊपर कोई मैलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी भी मैलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो और इसका जो लॉर्ड है जिस राशि में बैठा वो भी एग्जॉल्टेड है। तो फ्रॉम एवरी एंगल मंगल इज वेल प्लेस्ड, मार्स इज वेल प्लेस्ड, तो हम कहेंगे लॉर्ड की पोजिशन भी बहुत अच्छी है। फिर हम कारक देखते हैं, तो मैरिज का कारक क्या हुआ इसमें जुपिटर वीनस एंड जुपिटर मेल के केस में वीनस हो गया सर। या मेल के केस में वीनस होता है yes. और फीमेल के केस में जुपिटर होता है yes. तो वीनस इज वेल प्लेस्ड और वीनस एस्पेक्ट भी कर एस्पेक्ट भी कर रहा है इसको yeah. तो yes, हाँ जी, तो हम कहेंगे कि हर एंगल से सेवंथ हाउस इज वेल प्लेस्ड। सेवेंथ हाउस इज वेल प्लेस्ड। और दूसरा ये जो मैरिज में हमने कहा था कि एर्थ हाउस जो होता है वो हमारा मांगल्य स्थान है, दैट टेल्स यू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड। सेपरेशन डाइवोर्स तो नहीं होगा राइट right? तो एर्थ हाउस की एर्थ हाउस की क्या पोजीशन है यहाँ पर इसका लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर इज वेल प्लेस्ड और किसी मैलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है इस हॉरोस्कोप में एट्थ हाउस के ऊपर, तो हम ये कहेंगे कि मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैरिज में कोई सेपरेशन डाइवोर्स की या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी इस केस में। तो ये सेवेंथ और एट्थ हाउस इस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो इसी तरह से हम किसी भी हाउस को एग्जामिन कर सकते हैं। मान लीजिए टेंथ हाउस है, टेंथ हाउस के ऊपर किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है? मार्स का, एक ही मार्स का ही है बस जी। और किसी का नहीं है। इसका लॉर्ड जो है वो शनि है, शनि जी योग कारक प्लैनेट। यस सर, तो योग कारक प्लैनेट इज ऑलवेज गुड। ओनली थिंग इसकी थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम है, बट इट्स अ बेनिफिक प्लैनेट, इट्स अ गुड प्लैनेट एक्चुअली। Yes, sir. और इसका प्लेसमेंट भी 11th हाउस में है। Yes. बट 11th हाउस में ये तीन प्लैनेट सैटर्न केतु और मंगल भी देख रहा है उसको। हाँ जी। तो वो थोड़ा सा उसको वीक वीक करते हैं, उसको जो है वो वीक करते हैं। और इसके जो कारक हैं 10th हाउस के वो क्या हैं? जुपिटर मर्करी सन सन जुपिटर मर्करी और सैटर्न क्वेश्चन ही हाँ सैटर्न सैटर्न यस। टेंथ हाउस इज द कर्म स्थान और yes, कर्म स्थान का कर्म का सबसे पहले कारक क्या है? सैटर्न 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 जो है आपको काम करने के लिए मतलब बाध्य करता है या आपको कहता है काम करो और जब तक सैटर्न अच्छा नहीं होगा तो आप काम भी नहीं करते, मेहनत भी नहीं करते। और जिन लोगों का सैटर्न खराब होता है वो काम भी नहीं करना चाहते, बहुत आलसी टाइप के होते हैं। तो yes, काम तो आपने शुरू कर दिया सैटर्न से जी। बट आपको क्या चाहिए? मर्करी? काम तो सभी करते हैं, एक लेवर 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 क्लास भी करता है, आप भी करते हैं काम, तो दोनों में अंतर क्या है? इंटेलिजेंस माइंड differences of intelligence yes, you start involving intelligence in your work in your karma to jaise hi aap intelligence ka istemal karte hain to start growing aap aage badhna shuru ho jate hain to
कर्म के बाद जो मेन सैटर्न के बाद जो मेन रोल आता है मरकरी का आता है कि मरकरी मींस कि यू स्टार्ट इन्वॉल्विंग इंटेलिजेंस इन योर कर्म तो स्टार्ट ग्रोइंग अब आगे बढ़ना शुरू हो जाता है. अब आपने कर्म भी किया मेहनत भी की इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया उसके बाद आपको क्या चाहिए जो ब्लेसिंग मनी ब्लेसिंग एंड मनी. हाँ ब्लेसिंग से काम नहीं चलेगा उस टाइम पैसा चाहिए आपको मनी चाहिए. हाँ यू नीड प्रोस्पेरिटी इन द प्रोफेशन. तो उसके लिए जुपिटर का रोल हो जाता है और जब तक जुपिटर फेवरेबल नहीं होगा आपको हाई सैलरीड जॉब नहीं मिलेगा या बिजनेस में बहुत फायदा नहीं हो सकता. जो लोग बात करते हैं हाई पैकेज जॉब वगैरह की तो अनलेस एंड अंटिल जुपिटर इज स्ट्रॉन्ग इट इज इम्पॉसिबल टू गेट ए हाई सैलरीड जॉब क्योंकि जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. बहुत लोग ऐसे हैं जो काम भी करते हैं इंटेलिजेंस का भी इन्वॉल्व करते हैं लेकिन नहीं होता उनके पास सफिशियंट मनी बेसिक नीड्स के लिए भी जो है क्योंकि जुपिटर वीक है उनका जुपिटर वीक है. या बहुत से लोग बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं लेकिन फिर भी उनको हाई सैलरी जॉब नहीं मिलता तो जुपिटर का रोल आ गया उसके अंदर जो है. बट अल्टीमेटली आई थिंक ईच वन ऑफ अस ट्राइज टू गेट नेम फेम रिकॉग्निशन इन द प्रोफेशन अल्टीमेटली सबका वही है तो उसके लिए फिर वो सन इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस केस में जुपिटर वीक रहेगा तो हाई सैलरी नहीं बट सन इज स्ट्रॉन्ग. हाँ नहीं सन स्ट्रॉन्ग है तो आपको फेम तो मिल जाएगा लेकिन पैसा नहीं होगा आपके पास. पैसा नहीं होगा. बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत फेम है उनको मिला सब कुछ मिला लेकिन हाँ, पैसा नहीं मिला पैसा नहीं मिला. हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखिए लाल बहादुर शास्त्री थे गुलजार लाल नंदा थे सब कुछ मिला लेकिन उनकी पोजीशन बहुत खराब थी फाइनेंशियली जो है. तो सर जैसे इस हॉरोस्कोप में सैटर्न का जो स्ट्रेंथ है वो कम है सैटर्न थोड़ा सा वीक है बट सैटर्न ऑफ कोर्स इज अ योग कारक प्लैनेट. सैटर्न इज अ फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट इन दिस केस. तो थोड़ा सा एक इनिशिएटिव की जरूरत है ऐसे लोगों को कि कोई ना कोई एडवाइस करे कोई उनको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करे मेहनत करने के लिए तो दे कैन डू वेरी वेल एक्चुअली बिकॉज अदर प्लैनेट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इज वेरी इंटेलिजेंट सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो प्लैनेट तो सारे अच्छे हैं और एक्सचेंज है इतने बढ़िया इतना बढ़िया राजयोग बन रहा है तो उसके रिजल्ट तो मिलेंगे मिलेंगे. ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना मिलें. तो इस केस में हम सैटर्न को पावर बढ़ा सकते हैं. हाँ बिल्कुल सैटर्न को हम पावर बढ़ा सकते हैं. ठीक है इसकी जो हम पूजा पाठ करें अगर शनि के लिए तो बहुत अच्छा है. मैं जेमस्टोन नहीं कहूंगा अभी भी क्योंकि सैटर्न के साथ मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है कोई बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ब्लू सफायर पहन लो बट आप शनि की हाँ जी पूजा पाठ करेंगे शनि की तो उसका आपको फायदा होगा. ठीक है सर. तो सर ये अगर चंद्रमा खराब है तो आपने बताया था कि इसी क्लास में कि पानी का दान नहीं करते हैं. बिल्कुल. तो सर ये एसी नहीं, चंद्रमा नहीं 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 आप क्या बोल रहे हैं दोबारा बोलिए. मैंने ये कहा था कि चंद्रमा अगर छठे घर में प्लेस छठे घर में है हाँ हाँ सिक्स्थ हाउस तो सही नहीं होता है ना वो तब हम पानी का दान नहीं करते. पानी का दान का मतलब है कि हम जैसे कोई कुआं खोद रहा है गांव में कोई नल लगवा रहा है कोई अपने वाटर कूलर दे दिया मंदिर में पानी पिलाने के लिए या कोई फंक्शन हो रहा है जुलूस निकल रहा है तो वहां पे अपने शरबत पिलाने के लिए अपने कुछ अरेंजमेंट कर दिया तो दैट इज वेरी हार्मफुल एक्चुअली. और एसी सर्विस में आएगा हाँ जी एयर कंडीशन आएगा इसमें. एयर कंडीशन इज नॉट वाटर एक्चुअली पानी थोड़ी वही वही कूलर अगर आप देंगे पानी का कूलर यस ओके सर तो नुकसान करेगा. एक्चुअली मैं बताना भी चाह रहा था मैं आपको बताता हूँ कि जो आप चीज ध्यान भी रख सकते हैं और बहुत यूजफुल भी रहेंगे आपके लिए कि एक तो हमने देखा कि चंद्रमा अगर छठे घर में होता है तो पानी का दान नहीं करना चाहिए. ऐसे ही अगर हम सैटर्न अगर एर्थ हाउस में प्लेस्ड है किसी का सैटर्न अगर किसी का भी एर्थ हाउस में प्लेस्ड है तो कहते हैं कि जो हम लोग धर्मशाला वगैरह बनाने के लिए या फ्री लोगों को स्टे कराने के लिए
अगर हम उसके लिए दान देते हैं तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मून अगर फोर्थ हाउस में है तो हम पानी का दान नहीं करेंगे, अगर पानी का दान करेंगे तो कहते हैं कि एक तो संतान के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और फैमिली में अनटाइमली डेथ होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इट्स वेरी वेरी हार्मफुल एक्चुअली, जिनका भी जो चंद्रमा है अगर सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है। इस तरह से हाउस में हो? नहीं, सिर्फ सिक्स्थ हाउस में, सिर्फ सिक्स्थ हाउस। ऐसे ही सैटर्न इन द एट्थ हाउस, तो कहते हैं कभी भी जो फ्री स्टे करने की जगह होती है वहां हमें उसके लिए पैसा नहीं दान करना चाहिए, और अगर हम दान करेंगे तो अब दूसरों का तो घर बनाएंगे लेकिन अपने आप बेघर हो जाएंगे, तो उसका इतना ज्यादा नुकसान होता है। फिर ऐसे ही कहा कि जुपिटर अगर टेंथ हाउस में है और मून फोर्थ हाउस में, दोनों इकट्ठा, जुपिटर टेंथ हाउस में और मून जो है फोर्थ हाउस में, तो कहते हैं कभी भी जो रिलीजियस प्लेस को बनवाने के लिए पैसा दान नहीं करना चाहिए, मंदिर वगैरह बनाने के लिए कभी हम पैसा दान नहीं करना चाहिए। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे अगेंस्ट में फॉल्स एलिगेशन लगेंगे और कभी कभी जो है वो इम्प्रिजनमेंट की भी नौबत आ जाती है। तो अगर जुपिटर टेंथ हाउस में है और मून अगर फोर्थ हाउस में है, इसी तरह से अगर वीनस नाइन्थ हाउस में है किसी का, वीनस अगर नाइन्थ हाउस में, तो कहते हैं कि बच्चों को, जैसे जो गरीब बच्चे होते हैं उनको हम स्कॉलरशिप दे दें या उनको किताबों के लिए पैसा दे दें या पढ़ाई के लिए पैसा दे दें, वो खराब है, बहुत खराब उसका इफेक्ट होगा। उसका इफेक्ट ये होगा कि आप उनको तो कर रहे हैं, आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लेकिन आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो जाएगी। तो जब भी वीनस नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड होता है तो कभी भी हम गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए किताबें या स्कॉलरशिप नहीं देना चाहिए। फिर मून अगर ट्वेल्थ हाउस में है किसी का भी, और हम सोचते हैं कि हम साधु को खाना खिला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कोई शुभ काम हो नहीं सकता। लेकिन मून अगर ट्वेल्थ हाउस में है और अगर आप साधु संत को खाना खिला रहे हैं या जहां पर फ्री एजुकेशन दी जाती है उस ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दान करते हैं, तो कहते हैं कि ये बहुत एक सीरियस रिप्रकशन होता है उसका, और फैमिली में बीमारियां शुरू हो जाती हैं और ऐसी बीमारियां होती हैं कि आपको कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होता। तो जिसका भी मून अगर ट्वेल्थ हाउस में है तो वो ध्यान रख सकता है कि कम से कम जो साधु संत को खाना मत खिलाओ, और किसी फॉर्म में करो जो करना है, बट खाना मत खिलाइए। यस सर। ऐसे जुपिटर अगर सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड है, जुपिटर, तो कहते हैं कि कोई साधु संत हो, कोई पुजारी हो मंदिर का, उसको कपड़े नहीं दान करने चाहिए, जुपिटर अगर सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड है। तो अगर कहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो एक तो फाइनेंशियल पोजीशन खराब होगी और दूसरा संतान के ऊपर भी उसका बुरा असर आएगा। तो ये पांच छह पॉइंट हैं, इनको हम थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि जो भी हम दान करेंगे तो इन चीजों को माइंड में रख के करेंगे। तो ये सिक्स हाउस में जैसे चंद्रमा का आपने बताया इसमें, हाँ, तो इसमें सिक्स हाउस में अगर चंद्रमा है तो चांदी का भी दान नहीं करना है, चांदी लेना भी नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, नहीं मैं ऐसे पूछ रही हूँ, आपने तो नहीं कहा, मैं पूछ रही हूँ। ये इस पे मैंने कहा कि चंद्रमा अगर शुभ है, हाँ, चंद्रमा अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो हम उसका दान नहीं करेंगे, बट चंद्रमा अगर अशुभ है सिक्स हाउस में, ओके, तब हम कर सकते हैं। बट सिक्स हाउस में प्लेस होने का मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा शुभ या अशुभ है हमें पता लग गया, बट अगर सिक्स हाउस में प्लेस्ड है तो कम से कम पानी का दान मत करिए। ठीक है सर, ओके, ये तो देखना पड़ेगा फिर। सही है, सर। हाँ जी सर। हेलो, हाँ बोलिए। सर एक चैट है जी, सर एक चैट है सर, उसका प्रोफेशन के बारे में पूछ रहे हैं, मेरे को दिखाया तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, थोड़ी सी मदद कीजिए सर, एक दो मिनट के लिए। हाँ बोलिए सर। उसका डेट ऑफ बर्थ है सर 24 दिसंबर 1977। सेवेंटी सेवन ये सर 24 दिसंबर राइट, और टाइम है
सर 0.20 रात को 12:20 प्लेस सर सर प्लेस है एक प्लेस है बाघोमारी सर बाघोमारी स्पेलिंग बोलिए BAGHAMARI BAGHAMARI यस सर ये है मध्य प्रदेश में This is in Madhya Pradesh or? No, Odisha में है या तो सर बांकी भी आप इसको just write on the chat box पता लग जाएगा उससे नहीं सर एक दिन ओडिशा बांकी एक मिनट हाँ सर सर एक मिनट chat box में यहाँ पे जाके chat सर we can also put बांकी ओडिशा सर एक्चुअली वो अगर बाघ हमारी नहीं है बांकी BANKI ओडिशा BANJ सर BANKI बांकी सर BANKI बांकी ओडिशा हाँ अब बताइए किसी को पता बोलिए बांकी ओडिशा BANKI बांकी ओडिशा BANKI perhaps. KI. K. 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 Nahin. Sir, J nahin hai, KI. BANKI. K for kite. Aage. Bas. KI. I only oi. Bas. Bas, sir. Yes, sir. Yeah. बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप सर इसका प्रोफेशन क्या होना चाहिए वो जो काम करता है इससे बहुत हार्ड वर्किंग है लेकिन हर मतलब 4-5 साल में उसका काम चेंज करना पड़ता है और प्रोफेशन जो है थोड़े लंबे टाइम के लिए चले स्टेबिलिटी नहीं है मतलब नहीं सर स्टेबिलिटी नहीं है बहुत हार्ड वर्किंग है और इंसान भी कोई बुरा नहीं है लेकिन उसका जो वाइफ जो है वो बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है और उसको बोलते हैं कि मैं तब थक रहा हूं कि मेरे को कोई एक प्रोफेशन चाहिए प्रेशर प्रेशर देखिए वाइफ की कोई गलती नहीं है इसमें बोलते हैं कि मेरे को एक प्रोफेशन बोलो जिससे मैं बस अब तो मैं समझ गया आप थोड़ा सा आपकी आवाज क्लियर नहीं है तो आप थोड़ा वो चुप हो जाइए इसमें यहाँ देखिए कितने प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं मार्स मरकरी जुपिटर और सैटर्न और हम लोगों ने डिस्कस किया था उस दिन कि जब ज्यादा प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में और हम लोगों ने जो तीन की बात की थी अगर तीन भी रेट्रोग्रेड हैं अगर तो उसकी लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती और यहाँ तो चार प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं तो आप कुछ भी करिए स्टेबिलिटी तो हमेशा लैकिंग करेगी करेगी स्टेबिलिटी तो कभी आ नहीं सकती प्रोफेशन में जो है और उसका रीजन भी हम लोगों ने कहा था कि जब भी आपके बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं और जिन हाउस के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस होता है और जब वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उस हाउस में चेंज लाने की कोशिश करता है उस हाउस में चेंज लाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर ये जो चार प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं तो यही है कि नॉट ओनली इन प्रोफेशन बट उसकी लाइफ में भी कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी जो चार प्लैनेट रेट्रोग्रेड होने का मतलब ही यही है बाकी आप देखें तो प्लैनेट की पोजिशन तो बहुत अच्छी है प्लैनेट की पोजीशन खराब नहीं है आप देखिए कि 10th हाउस पर जहां तक सवाल है कि इसका लॉर्ड मरकरी है मरकरी इसको देख रहा है तो इट मेक्स ए राजयोग और यहां पर तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है मरकरी वीनस और जुपिटर
तो टेंथ हाउस का प्लेसमेंट अच्छा है, टेंथ हाउस का प्लेसमेंट खराब नहीं है। तीनों बेनिफिक प्लैनेट का। मून देखिए, मून एग्जॉल्टेड है, मून इज आल्सो वेरी वेल प्लेस्ड। सन है, सन के ऊपर तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, सन इज आल्सो वेरी वेल प्लेस्ड, सन का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। तो प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जब ये बहुत ज्यादा प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो ऐसे लोगों की लाइफ में कभी स्टेबिलिटी नहीं आती है एक्चुअली में। तो आप सिर्फ इसी को देख के बता सकते हैं, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। किसी का भी देख लीजिए आप, अगर तीन या चार प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं तो स्टेबिलिटी इज ऑलवेज लैकिंग। सर उसको प्रोफेशन क्या करना चाहिए? कुछ भी करोगे बात प्रॉब्लम तो वही आएगी, कुछ भी हम करेंगे प्रॉब्लम तो वही रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब देखिए दशा भी अच्छी चल रही है, दशा भी जुपिटर की चल रही है और जुपिटर अब खत्म होने वाला है, अब तो शनि का पीरियड शुरू हो जाएगा और शनि का पीरियड होगा तो शनि तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एक तो ट्वेल्थ हाउस में है और ये हैम्ड है बिटवीन टू मैलिफिक प्लैनेट्स, और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है ट्वेल्थ में चला गया तो नेचुरली और ज्यादा खराब करेगा जब ये सैटर्न की दशा शुरू होगी नेक्स्ट ईयर से। और सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, मरकरी भी है, मार्स भी है। सर सैटर्न का दशा तो 19 साल, 19 साल का दशा है, वही मैं कह रहा हूँ। सर यू विल सफर फॉर 19 इयर्स? That depends on the divisional chart. Actually, what I'm saying कि somehow divisional chart में ये profession के point of view से ठीक है, but बाकी परेशानी होंगी, लेकिन profession के point of view से तो ठीक लगता है Saturn यहाँ पर divisional chart में। तो सर उसका अभी जो काम है tractor का, हाँ, या 2-3 tractors, तो सर उसका क्या है कि मैंने देखा observe किया कि सबसे पहले उसका rust लगता है, सबका bike ठीक होगा उसका bullet में पहले रॉस्ट आएगा। तो मेरे सोचा सैटर्न तो रेट्रोग्रेड है लेकिन प्रॉब्लम कैसे आ रहा है उसका, सबसे पहले रॉस्ट होता है, मैं ऑब्जर्व किया। तो सर उसको क्या बोलूं, क्या प्रोफेशन करेगा अभी सैटर्न का आ रहा है महादशा? सैटर्न जो है मैं देख रहा हूं उसमें कि प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है डिविजनल चार्ट में। अब कोई भी जो है जैसे ये मरकरी है बेसिकली यहाँ पर, कोई भी ट्रेडिंग टाइप का जॉब करोगे तो बेटर रहेगा। और सैटर्न में प्रॉब्लम तो आएंगी बहुत, बट जहां तक प्रोफेशन का सवाल है वो उसके लिए ठीक है समाओ। सर उसको बोलूं किताब का दुकान? हाँ वो कर सकता है, दैट इज गुड एक्चुअली, वो एजुकेशन से कनेक्टेड ठीक है, बढ़िया रहेगा। होटल होटल टाइप का सर, या ग्रोसरी शॉप, होटल क्या है सर? होटल, होटल इंडस्ट्री, होटल रेस्टोरेंट? नहीं होटल नहीं कहूंगा, बट ये एजुकेशन से कनेक्टेड जैसे जुपिटर मरकरी दोनों ही यहाँ पर मेन प्लैनेट हैं यहाँ पर टेंथ हाउस में, तो एजुकेशन से कनेक्टेड जैसे आप बता रहे हैं किताब की दुकान जो है वो बेटर रहेगी इसके लिए जो है। एनी अदर क्वेश्चन? सर जैम के बारे में ही एक कंफ्यूजन है हल्का सा। हाँ। अभी तक हम लोगों की जो धारणा थी वो ये थी कि जो ग्रह खराब हो उसका स्टोन पहन लो। हाँ वही वो तो बहुत डेंजरस होता है। अच्छा। और नॉर्मली पहना भी देते हैं आपको, क्योंकि जितने भी जो पंडित टाइप के लोग होते हैं सारे ही लोग ये कर रहे हैं। हाँ इनके पास आप जाओगे तो पहना देंगे आप। जबकि आपने कहा अगर कोई, आपने कहा कि जो बेनिफिक है और वो केंद्र वाला हो तो उसका पहना ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, पहले वो होते थे ना जनरल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर गंजू को पता होगा कि उनके पास आप जाइए तो वो सारी दवाइयां मिला के दे दिया करते थे,
और साथ में एक स्टेरॉइड की गोली भी डाल देते थे, कोई भी बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी और उसका कितना हमारे ऊपर उसका गलत इफेक्ट पड़ता था, पूरा बैड इफेक्ट होएगा। हाँ लेटर ऑन वो ठीक नहीं हो सकेगा। जनरल प्रैक्टिशनर जो है बहुत भीड़ लगी रहती थी, तो मैंने देखा कौन कौन सी दवाई डाल रहे हैं उसमें, तो एक स्टेरॉइड की गोली का बहुत बड़ा डिब्बा रखा हुआ था, उसका था हर एक दवाई में एक स्टेरॉइड की गोली तो डालनी डालनी, ज्यादातर लोग यही करते हैं, पॉइजन दे दिया ना साथ में। बिल्कुल, क्योंकि लोग आते हैं कहते हैं कि साहब मुझे कल जाना है, मुझे आज ही बुखार ठीक हो जाना चाहिए, अब आज बुखार कैसे ठीक होगा, उसको समझाना चाहिए ना। नहीं वो मानते नहीं ना लोग, कहते नहीं आज ही करो ठीक जो है। सर आपने बताया जैसे शुक्र को भी उंगली में पहनना चाहिए बीच वाली में। हाँ बीच वाली में या छोटी वाली में? हीरा। हाँ हीरा, अगर मैंने इसमें पहन रखा है तो ये कोई भी काम नहीं करेगा? नहीं, अगर आपने टच किया वाला है या वैसी ज्वेलरी टाइप का, वैसे ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये बात उसकी हो रही है जब टच करे बॉडी से। अच्छा, जो सोलिटायर वगैरह होते हैं जो बड़े स्टोन पहनते हैं लोग जो है, और अगर बॉडी को टच करते हैं उसका इफेक्ट होता है। नहीं मेरे को कहा है शुक्र पहनना है, पर इसमें किसमें? बीच वाली में। हाँ बीच वाले पहन सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। तो ये टच करना हो वाला चाहिए ना? टच करना चाहिए, तो उसको ना वापस से बनाना पड़ेगी मतलब। हाँ तो ये जो एक बड़ा स्टोन लेके मतलब मिनिमम एक कैरेट का होना चाहिए, तो उसको भी टच करना चाहिए बॉडी से। हाँ सर ठीक है। एक कौन से हाथ में पहनना चाहिए वो भी बताइए। सीधे हाथ। हाँ देखिए ये बात कंफ्यूजन है, और लोग कहते हैं कि पहले टाइम में यही कहते थे कि मेल को राइट हैंड में और फीमेल को लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए, वो इसलिए था कि पहले फीमेल का कोई रोल नहीं था, कोई वर्किंग नहीं था, कुछ ऐसा कोई उनका फैमिली में बहुत ज्यादा रोल नहीं होता था, बट आजकल तो इक्वल रोल होता है और दोनों ही एक तरह से वर्किंग है, तो नेचुरली राइट हैंड में ही स्टोन पहनना चाहिए, ना कि लेफ्ट हैंड में। और अगर आप बाई चांस लेफ्टी हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड ही यूज कर रहे हैं तो देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट तो आप लेफ्ट हैंड में ही पहनेंगे, जो भी आपका हाथ एक्टिव है उसी में पहनना चाहिए। सर फर्स्ट सेशन की क्लास कंप्लीट हो गई क्या? हाँ आज खत्म। संडे की टाइमिंग तो ठीक है, सैटरडे जल्दी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सैटरडे एक ही दिन मिलता है हम लोग को सोशलाइजेशन का। व्हाट टाइम यू वांट एक्चुअली? मॉर्निंग में मतलब 12 बजे तक? नहीं बट नो सर इट्स नॉट पॉसिबल। मुकुल इज फ्रॉम यूएस एक्चुअली, तो यूएस में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट ओनली थिंग सर इवन इन इंडिया इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि टिल 3 o'clock वी डू वर्क। हां अग्रीड अग्रीड। अगर कोई हम सैटरडे मिस करेंगे तो हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, संडे तो वैसे भी। तो नेक्स्ट वीक छुट्टी, उसके बाद से शुरू। चलिए ठीक है, आप लोग कंफर्म कर देना जिस जिसको करना है। जी हम तो करना है, हम कंफर्म है हमारा। कंफर्म यस सर। ओके देन, और आप अपना हॉरोस्कोप एग्जामिन करिए, दैट इज योर होमवर्क एक वीक का है। जी सर। ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर।